इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। इलेक्शन एक्ट बिल के तहत 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर। इलेक्शन तारीख का ऐलान के इख्तियार इलेक्शन कमीशन को होगा। इलेक्शन तरमीम से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत की शर्त भी खत्म। इलेक्शन कमीशन को सदर की मुशावरत के बगैर इलेक्शन तारीख देने और इसमें रद्दोबदल का इख्तियार होगा। पेट्रोलियम लेवी 50 से 60 रुपए कर दी गई। टैक्स वसूली हदफ में 215 अरब रुपए इजाफा। कौमी असम्बली में तरामीम के बाद विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों और बल्बों पर से इजाफी टैक्स की तरमीम मंजूर। टैक्स का तलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। बजट का मरहला मुकम्मल हो गया है, अब IMF से माहिदे का मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। मजीद कहा, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की बरात वाले बिल को कौमी असम्बली मंजूर ना करे। गरीब कौम के इन हालात में सेनेट का मंजूर करदा बिल किसी सूरत दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने वजाहत दी और कहा, अरकान पार्लियामेंट अपने खर्च पर हज पर जा रहे हैं। रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीक हयात दोनों की वफात पर बच्चों को 10 साल पेंशन मिलेगी। वजीर खजाना इसहाक डार की वजाहत। मजीद कहा, गरीब मुल्क पर पेंशन का भारी बोझ है। पेंशन अदायगी 661 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। रिफॉर्म्स की कोशिश कर रहे हैं। कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है। माशी नाकामियों पर वजीर खजाना इसहाक डार मुस्ताफी हों। शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, IMF को इसहाक डार पर एतमाद नहीं, उनसे गुजारिश है वजारत खजाना की जिम्मेदारी किसी और को दे दें। कौम पहले ही महंगाई से तंग आ चुकी है। दूसरी तरफ 215 अरब के मजीद टैक्सेस लगा दिए गए। एमनेस्टी स्कीम भी वापस लेना पड़ेगी। शदीद गर्मी के दौरान बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजाब बन गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। कहना से गजुमता फिरोजपुर रोड पर मुजाहिरा। डंपर लगाकर सड़क को बंद किया रखा। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई इजला में बिजली की तवील लोड शेडिंग। बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की नवीद भी सुना दी। आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में अलुल सुबह बारिश। लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। 30 जून तक बालाई और वसती इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग जबकि पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। विफाकी वजीर श्री रहमान का ट्वीट। कहा, आज से 30 जून तक मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। शहरियों से दरखास्त है कि किसी भी नाखुशगवार वाक्य से बचने के लिए तेज हवाओं और बारिशों के दौरान कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभों और नदी नालों से दूर रहें। बहावलपुर डिवीजन को मीट डिवीजन करार देने का असूली फैसला। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट में बेहतरी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गोश्त और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फरोग के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम का फैसला। बीफ, मटन और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फरोग में हाइल रुकावटें दूर की जाएंगी। और ईद कुर्बान सर पर आ गई। कुर्बानी का फरीज अदा करने से पहले आखिरी इतवार। खरीदारों ने मनपसंद और खूबसूरत जानवर की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। गर्मी के बावजूद कराची ता खैबर, कोयटा ता गिलगित, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। ऊंट, बकरे, गाय, बैल और दुम्बे खरीदने वालों का रश।